ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੋੜੀ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का, ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का, ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। Thank you.
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का, ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का, ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।
शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है। शरेआम दिन के उजाले में बाल्द नदी और सरसा नदी का जहां पर मिलन होता है, शरेआम खनन किया जा रहा है। कम से कम 8 से 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन लगी हुई है। इसी खनन की वजह से हमारे जो पुल है, सड़कें हैं, उनको खतरा बना हुआ है, नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से देखिए नदी भी कितनी गहरी कर दी गई है। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना भगवान का। शरेआम जोर शोर से खनन किया जा रहा है।